तो गाइस डीजी स्टडी पर तमारो स्वागत छे। आजना वीडियो में आपणे धोरण 9 मां जे द्वितीय परीक्षा जे हिंदी नो परीक्षा लेवाई गई छे तेनो पेपर सॉल्यूशन जोशू। तो एमा सौथी पहला विभाग एनी वात करिए तो विभाग ए तमारो हतो गद्य विभाग। तो गद्य विभाग माथी तमने शुं शुं पूछवामां आवेलो हतो, तो अहींया पहेलुं पूछवामां आवेलो हतो कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल ये था आपका कि मोहन नौकरी की तलाश में खाली जगह आया था। तो याद रखिएगा कि मोहन नौकरी की तलाश में आया था, ग्वालियर में आया था। उसी तरह रानी की नंगी पीठ पर खाली जगह बैठ गई थी, तो यह महादेवी वर्मा की है। उसी तरह कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम खाली जगह हो गई है, तो समाप्त हो गई है। उसी प्रकार से हमारी खाली जगह कलंकित हो गई है, तो वीरता कलंकित हो गई है। उसी प्रकार से हमें सही विकल्प चुनकर विधान को पूर्ण करना था, तो जिसमें पहला पांचवा नंबर का सवाल ऐसा था कि जगदीश बाबू की आंखें खाली जगह हो गई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर अ आएगा, जिसमें आएगा कि चाय की प्याली की झुकी रह गई थी। उसी प्रकार से छठा नंबर का सवाल था कि उपनिषदों में आचार्यों ने क्या कहा है, तो सेवा देने की ही वस्तु और लेने को नहीं। उसी प्रकार से सातवां नंबर का सवाल है कि ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह तक पहुंचा दिया था क्योंकि, तो उसका आंसर आएगा क, कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। उसी प्रकार से हमारे जो एक एक वाक्य में उत्तर लिखने थे उसके भी आंसर यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिए गए हैं। तो पहले आठवें नंबर का सवाल देखें तो महंत के नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया गया। तो महंत के नगर की असलियत जानने पर वहाँ क्षण भर भी न रहने का निर्णय लिया गया था। उसी प्रकार से नौवां सवाल ऐसा है कि मूर्ख युवक ने पंडित की बात क्यों मान ली, तो क्योंकि उन्होंने सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था, इसलिए मूर्ख युवक पंडित की बातों में आ गया था। उसी प्रकार से जो हम लोगों को नीचे दिए गए प्रश्नों के एक दो या तीन वाक्यों में तुम जो उत्तर देने हैं उसके भी सॉल्यूशन हम आगे देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये था कि बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा। तो याद रखिएगा कि बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास की प्रियता होते हुए स्वराज्य नहीं मिल सकता, स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार से 11वें नंबर का सवाल ये था कि जो थानेदार मसीहा कैसे बन गया, तो थानेदार मसीहा किस प्रकार से बना, तो थानेदार ने संकट के समय में पड़ी हुई लड़की के मामले में पूरी रुचि ली और उसने युक्तिपूर्वक मोहन के साथ विवाह करवा दिया, इस प्रकार वह थानेदार मसीहा बन गया था। उसी प्रकार से आपको अगले जो सवाल थे जो निम्नलिखित प्रश्नों के 5 और 6 वाक्यों में उत्तर लिखने थे, तो उसमें 12वें नंबर का सवाल यह था कि विवेकानंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला, और 12वें नंबर का जो सवाल था वो ये था कि लेखक का मन क्यों बैठ गया था। तो उनके भी हम आंसर्स यहाँ पर देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये था कि विवेकानंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला, तो याद रखिएगा कि विवेकानंद जी जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु जब वे अमेरिका में जब उन्होंने अपना नाम कमाया तब भारतवासियों के मन में भी उनके लिए सम्मान हुआ। इसी प्रकार से रविंद्रनाथ ठाकुर के भी यहाँ कोई जानता नहीं था, जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना था, वे बंगाल के ही नहीं सारे देश के गौरव बन गए थे। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर को जो है महत्व दिया गया था। उसी प्रकार से लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, तो हमारे देश के अखबार में चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि देश में कोई ईमानदार रहा ही नहीं है। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जब इतने ऊंचे पद पर भी उतने ही अधिक दोष दिखाए जाए तब सब अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। देश हित की बात बहुत ही कम हो रही है और देश और समाज की दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। उसी प्रकार से जो विभाग भी है उसमें पद्य विभाग की बात की गई थी, तो उसमें 14वां नंबर का सवाल था कि जो आपको खाली जगह भरनी थी, तो उसमें 14वां नंबर का सवाल यह था कि दीन या दया करने वाला खाली जगह के समान होता है, तो उसका आंसर आएगा ईश्वर के समान होता है। उसी प्रकार से 15वां सवाल यह था कि मनुष्य को संसार की खाली जगह से
दूर के लिए बुद्धि दी गई है, तो जड़ता के लिए बुद्धि दी गई है। उसी प्रकार से 16वें नंबर का सवाल था कि श्री कृष्ण के शरीर पर खाली जगह लगी हुई थी, तो याद रखिएगा कि उनके शरीर पर धूल लगी हुई थी। उसी प्रकार से निम्नलिखित विकल्पों के सही विकल्प चुनकर हमको उत्तर देना है। तो 17वें नंबर का सवाल ऐसा है कि सूरज चमकेगा तो फूल में से खाली जगह आएगी, तो खुशबू का सैलाब आएगा, इसका आंसर आएगा ए। उसी प्रकार से जो विकल्प वाला दूसरा सवाल है 18वें नंबर का कि कवि को किसको सपने की चिंता थी, तो इसका आंसर आएगा ए, मतलब कि करुणा को। उसी प्रकार से हमें 19वें नंबर का जो सवाल था कि काव्य पंक्ति को हमें पूर्ण करना था जो देव मंदिर से आराधना तक का था, तो इसका काव्य पंक्ति इस प्रकार से पूर्ण होगा कि देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। उसी प्रकार से हम लोगों का 20वां सवाल ऐसा पूछा गया था कि एक एक वाक्य में उत्तर देना था, तो 20वें नंबर का सवाल ऐसा था कि मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं, तो रहीम जी मांगने के बारे में ऐसा कहते हैं कि मांगना जो है वो मृत्यु के समान है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है, तो तुलसीदास के मत से श्री राम जो है वो पतित पावन है। उसी प्रकार से जो हम लोगों का अगले सवाल थे कि एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखने थे, तो उसमें 22वें नंबर का जो सवाल था कि आर्य की विशेषता क्या रही हुई, तो आर्य की विशेषता ये रही हुई है कि आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, वह मैं मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते हैं। उसी प्रकार से दीन बंधु के समान किसे बताया गया है और क्यों बताया गया है, इसका आंसर हम देखते हैं। तो दीन बंधु के समान हमें भगवान एक नाम है जो व्यक्ति गरीबों और अनाथों की मदद करता है, उसे हम दीन बंधु के समान बताया गया है। उसी प्रकार से जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, एक उत्तर हमें लिखने का है 5 से 6 वाक्यों में, तो यहाँ पर हमने उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो 24वें नंबर का सवाल इस प्रकार से था कि युग और मैं कविता का संदेश दीजिए, तो युग और मैं कविता का संदेश में इस प्रकार से है कि युग और मैं कविता में कवि ने संसार में स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है और उसे लगता है कि अस्तित्व उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि दुनिया में स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसी प्रकार से जो 15वें नंबर का जो सवाल था कि 25वें नंबर का जो सवाल था कि जो बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से यहाँ पर किया गया है कि बालक श्री कृष्ण की जो मूर्ति है बड़ी मनोहर है, वे अपनों के हाथों से मक्खन के लिए घुटने के बल चल रहे हैं, उनके मुँह पर मक्खन लगा हुआ है और उनके गाल सुंदर सुंदर और आँख चंचल है, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है और उनकी जो लटे हैं वो मदमस्त भोरों जैसी सुंदर लग रही है, वे अपने गले में कठुली माला पहने हुए हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण की छवि जो है वो अत्यंत ही बहुत ही मनमोहक और रमणीय दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से विभाग सी में व्याकरण विभाग का जो सवाल है वो पूछा गया है, तो उसमें पहला सवाल जो था उसमें ये सवाल दिया था कि मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग करना है, तो पहला जो 26 नंबर का सवाल था कि गोलमाल होना, तो उसका मुहावरे का अर्थ आएगा गड़बड़ होना, तो आज उसका वाक्य में प्रयोग भी आप कर सकते हो कि आज के दिन बहुत ही गड़बड़ हो गया या फिर आज के दिन पूरा गोलमाल भरा रहा था। उसी प्रकार से 27वां सवाल ऐसा था कि होना कहावत का हमें अर्थ बताना था कि हो रहान होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो इसका मतलब क्या होता है, तो अर्थ समझिए तो योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, मतलब कि जो भी व्यक्ति है उसके जो अपने लक्षण हैं वो व्यक्ति के लक्षण अपने उसके बचपन से ही उसके प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार से बात करें तो निम्नलिखित वाक्य को हमें शुद्ध करके लिखना था, तो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है ऐसा वाक्य आएगा मित्रों, शुद्ध गाय का दूध नहीं आएगा, तो यहाँ पर उसका वाक्य को शुद्ध करके लिख सकते हैं हम कि यहाँ पे गाय का शुद्ध दूध मिलता है। उसी प्रकार से हमें विरोधी शब्द लिखना था, तो वांछित था, वांछित का विरोधी शब्द आता है अवांछित। उसी प्रकार से पर्यायवाची एक शब्द लिखना था दल, तो दल का पर्यायवाची शब्द होता है झुंड। उसी प्रकार से शब्द समूह के लिए एक शब्द था जिसमें दूसरों पर की गई भलाई, तो उसे हम कहते हैं परोपकार। उसी प्रकार से निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग हमें बताना था, तो जो अपव्यय है उसमें जो उपसर्ग है वो आगे का आएगा, जो तुम्हारा अप है वो तो आपका उपसर्ग आएगा। उसी प्रकार से निम्नलिखित वाक्य में भाववाचक संख्या हम लोग को बतानी थी, तो पराया सौंदर्य देखकर लोग मोहित हो जाते हैं,
तो यहाँ पर भाव किसकी प्रकट हो रही है, तो देखो मित्रों यहाँ पे भाव सौंदर्य के भाव को प्रकट किया जा रहा है, इसलिए इसे सौंदर्य यहाँ पर भाव आएगा। उसी प्रकार से निम्नलिखित वाक्यों में थे कर्तवाचक संज्ञा हमें बतानी थी। तो अब देखिए मित्रों, तो यहाँ पर अच्छे खाद्य पदार्थों से पोषक अधिक प्राप्त होता है, तो यहाँ पर कर्तवाचक जो संज्ञा आएगी वह आएगी पोषक। उसी प्रकार से निम्नलिखित वाक्यों का हमें विशेषण बताना है कि हे प्रभु तू मेरा हितेशी है और कोई नहीं। तो देखिए मित्रों यहाँ पर प्रभु को अपना हितेशी बताया गया। हितेशी का मतलब होता है कि जो भलाई करने वाला हो, परोपकारी करने वाला हो, दूसरों का जो भला करता हो उसे हम हितेशी कहते हैं। तो यहाँ पर हे प्रभु तू मेरा हितेशी है, मतलब कि यहाँ पर उनकी जो विशेषता है प्रभु की वो क्या रही है कि वो लोगों की हितेशी है, उनके जो है वो भलाई करने वाले हैं। उसी प्रकार से जो दूसरा सवाल एक आपको जो दी गई थी कि एक पंक्ति दी गई थी और उसके हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने थे, तो उसके प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम देखेंगे तो जो पहले नंबर का प्रश्न का उत्तर था कि जब हमें दुख का अनुभव होगा तब हम दुख का अनुभव कर रहे सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि शीतलता और उष्णता सुख दुख के सूचक है। उसी प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि जीवन में सुख दुख सम होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए, मतलब कि जीवन में जो भी सुख आए और दुख आए दोनों के दोनों एक समान होने चाहिए। उसी प्रकार से हम लोगों को निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी लिखनी थी और कहानी को हमें उचित प्रकार का शीर्षक देना था, जहाँ पर हम लोगों को एक कहानी के जो मुद्दे हैं वो दे दिए गए थे और यह मुद्दे आपको देख लेने हैं। उसी प्रकार से उस कहानी का यहाँ पर हम शीर्षक दे चुके हैं कि उस कहानी का जो शीर्षक है वह आएगा अपना काम खुद करें। तो ये आपका उसका शीर्षक है। आप वीडियो को पोस्ट करके ये जो कहानियाँ दी गई हैं वो कहानियों को देख सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर उसके पूरा आंसर दे दिया गया है और उसी प्रकार से यहाँ पर हमें उससे सीख भी दी गई है कि भाई हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो याद रखिएगा कि स्वयं को पसीना बहाना बहाए बिना संपत्ति प्राप्त नहीं होती, अपना कारोबार दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, यह हमें इस पूरी कहानी से सीख मिलती है। आप वीडियो को पोस्ट करके कहानी को देख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो हमें जो पत्र लिखना था कि जो हमें पत्र दिया गया था उसमें मातृभाषा का जो महत्व था उसे हमें बताना था, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जो पत्र है वो लिखा गया है। आप वीडियो को पोस्ट करके इसको पत्र को देख सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से हम लोग आगे का देखते हैं, तो उसके आगे का यहाँ पर दिया गया है और वो पत्र का अंत जो है वो तुम्हारी सखी अरुणा के नाम से कर रही है। ये पूरा पत्र का सॉल्यूशन आप वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिएगा। उसी प्रकार से जो हम लोगों को निबंध पूछा गया था, तो निबंध में हमने यहाँ पर वृक्षारोपण का जो निबंध है वो यहाँ पर हमने लिया है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो आप इसके जो सॉल्यूशन है वो आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हमने संपूर्ण सॉल्यूशन दे दिया है। उसी प्रकार से ये आप हमारे वीडियो को पोस्ट कर करके ये सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। और उसी प्रकार से फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।